सरायकेला जिला के एएसपी के निर्देश के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस एक्शन में है, जहां आदित्यपुर थाना से लेकर रेलवे फाटक एवं विकास भवन के पीछे वाले सड़क और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के निकट लगने वाले जाम को लेकर थाना प्रभारी ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार से थाना प्रभारी राजन कुमार ने स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इसके तहत दैनिक सब्जी विक्रेताओं एवं मीट मछली व मुर्गा बेचने वालों को सड़क से अलग हटकर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहों के सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। वहीं अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने क्षेत्र के बैंकों एवं ज्वेलरी शॉप से अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करवाने, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि नए साल में हुड़दंग करने वालों पर नजर रखने हेतु विशेष टीम गठित की गई है। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वे तत्काल इसकी सूचना उन्हें या जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों को दे। किसी कीमत पर शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए आदित्यपुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट। ना चले सीनियर के द्वारा शराब जांच करने का मशीन भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया। अब हम लोग रोड में रोक के चेक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पिकनिक में आ रहे हैं और उसको देखते हुए जहां तहां शराब ना पी उसके विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर, कुछ कुछ जगह में पहले कैमरा लगे हुए थे, कैमरे खराब हो गए हुए हैं। कैमरा के संबंध में एसपी साहब से साहब ने आदेश दिया है कि कुछ कैमरा तो रिपेयर हो रहा है, जो बन जा रहा ठीक है, और नया कुछ सीसीटीवी कैमरा के लिए भी पास हो गया। दो चार दिन के अंदर हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो एक्टिव नज़र आएगा। और अनुरोध करते हैं खासकर ज्वेलर्स दुकान, बैंक सभी से कि आप लोग अगर संभव है तो आप उसमें क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखें, सीसीटीवी कैमरा एक्टिव रखें। सब हर चौक में एसपी साहब का, एसडीपीओ साहब का, थाना प्रभारी का नंबर है। अगर किसी तरह का बैड एलिमेंट नज़र आए, लगे कोई एक्टिविटी से कि नहीं ये गलत है, तो तुरंत इसकी सूचना थाना को दें, एसडीपीओ सर को दें, एसपी साहब को दें, तुरंत पुलिस पहुंचेगी। हमारा सरकारी नंबर है, पर्सनल नंबर है। और अच्छा से लोग नया वर्ष मनाएं, बढ़िया से मनाएं। जनवरी महीना ऐसे भी पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए है, लेकिन इसमें किसी तरह का हुड़दंगई, किसी तरह का गलत काम अगर होगा तो या तो जेल जाएगा और नहीं तो और जो कार्रवाई करना है पुलिस को करेगी।